हो जा भाई, ये हो गया क्या? अबे मुझे लगा हो गया भाई, रुक गया था वो वैसे। रुक जा भाई, कब तक? हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। कैसे हो मेरे मित्रों, आर्क सर्वाइवल इवॉल्व मोबाइल के एक और गेम प्ले में तुम सबका वेलकम वेलकम है। तो आज मैं टेम करने वाला हूँ एक जाइंट बीवर को, मतलब मुझे वुड फार्मिंग के लिए एक जाइंट बीवर चाहिए। देखो भाई, मैं वीडियोस इसलिए नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि मेरी तबीयत खराब है, तुम लोग पता है, मैं इसलिए थोड़ा कम बना रहा हूँ, पर कोशिश करूंगा धीरे 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 रेगुलरली बनाने का, कुछ ना कुछ अपलोड करता रहूंगा मैं। इसी के साथ भाई मैंने एक नया चैनल भी बनाया है, तो तुम लोग उसको भी सब्सक्राइब कर देना भाई, लिंक दे दूंगा मैं, अब कमेंट में लिंक दे दूंगा भाई, कर लो यार प्लीज़ भाई, कम से कम 100 सब्सक्राइबर तो करवा दो धीरे धीरे, उसमें मैं अच्छे अच्छे कॉन्टेंट अपलोड करने का कोशिश करूंगा। तो चलो भाई डायरेक्ट चलते हैं अपना जाइंट बीवर को पकड़ने के लिए, जाइंट बीवर वाले आइलैंड में। A few moments later, हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। देखो यहाँ पे ना काफी सारे बीवर डैम रहते हैं, अगर तुम्हें बीवर पकड़ना है ना, मतलब जाइंट बीवर को, तो तुम्हें यहीं आना पड़ेगा, क्योंकि भाई देखो यहाँ पे सबसे आसान है जाइंट बीवर पकड़ना, मतलब यहाँ पे कोई भी खतरा नहीं है तुम्हारे लिए, कोई सा भी डेंजरस चीज़ नहीं है। यहाँ पे रैप्टर भी स्पॉन नहीं होते, मतलब थोड़ा सा दूर होते हैं रैप्टर स्पॉन, और यहाँ पे काफ़ी सारे बीवर्स भी आते हैं, तो यहाँ पे काफ़ी सारे बीवर्स डैम भी है, तुम देख सकते हो, मतलब यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बीवर मिल जाते हैं, पर अभी मुझे एक भी नहीं दिख रहा है, मैं सही से ढूंढ लेता हूँ, एक बार रुक जाऊँ आसपास देख लेता हूँ, इधर तो एक भी नहीं था, तो इधर एक तो दिख गया भाई, ये रहा वाइट कलर का, देख कितने लेवल का, ये देख लेता हूँ मैं, रुक जाओ, ये वाइट कलर का है, वैसे सही है, ये है 65 लेवल का फीमेल, यार बढ़िया है वैसे, पर मैं कोशिश करूँगा यार 100 लेवल का, मतलब टेम करने के बाद कम से कम वो 100 लेवल का तो हो, मतलब मैं टेम करूँ तो उसको 100 लेवल का तो होना चाहिए यार, 65 का है तो ज़्यादा तो लेवल अप देगा नहीं, क्योंकि भाई देखो मेरे को ज़्यादा लेवल अप नहीं देता, 20-30 ही देगा, तो हम कोशिश करेंगे कम से कम 90 लेवल का हो या 100 का हो, अगर 90 लेवल का भी होएगा ना तो टेम होने के बाद 100 का तो वो हो ही जाएगा, तो टेंशन नहीं है, इसीलिए बस हमें एक बीवर ढूंढना पड़ेगा थोड़ा सा हाई लेवल का, अगर नहीं मिला तो 65 वाला ही पकड़ लेंगे। और यहाँ पे देखो भाई ये रहा अपना मगरमच्छ भैया, और ज़्यादा लेवल का नहीं होएगा तो आज मुझे पकड़ना भी नहीं है अपने शर्कों को, मैंने पहले से ही पकड़ रखा है एक मगरमच्छ, अगर तुम लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लेना भाई, उसका भी लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, टेंशन मत लेना, और वैसे भी देख सकते हो तुम चैनल में जाकर, प्लेलिस्ट भी मैंने बना रखा है, तुम वहाँ पे भी देख सकते हो। बस हमें आज एक जाइंट बीवर मिल जाए, मतलब ठीक ठाक लेवल का, एक तो मिल चुका है, वरना उसे ही पकड़ लेंगे कोई सा भी नहीं मिला तो। और वैसे इतने सारे बीवर डैम है यार, एक दो तो होने चाहिए यहाँ पे, और भी तो 4-5 होने चाहिए बीवर, वैसे ए बीवर है, ये बीवर है, रुक जाओ, देखो मिट्टी का कलर में ना मुझे दिखा नहीं, वो आसानी से दिख नहीं पाया मुझे, क्योंकि इसका और मिट्टी का कलर सेम, और ये 100 लेवल का है भाई, मतलब 100 लेवल का बीवर मिल चुका है मुझे, काफ़ी सही है। एक काम करते हैं हम ना इसको यहाँ पे रोकते हैं, तो इस पत्थर के ऊपर मैं इसको बिठाता हूँ पिट्रेनोडॉन को, और देखो वैसे तुम बीवर को नीचे से ही पकड़ सकते हो आसानी से, कोई ट्रैप व्रैप बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई बीवर ना काफ़ी स्लो होते हैं तो वो तुम्हें पकड़ ही नहीं पाएंगे, पर एग्रो तो होते हैं वो, और लेकिन वो स्लो भी होते हैं इसलिए तुम्हें टेंशन नहीं, वो बहुत स्लो होते हैं इसलिए भाई तुम उसको आसानी से पकड़ सकते हो। तो मुझे पहले ये वाला जो एरो है मुझे यहाँ पे रखना पड़ेगा, जिससे भाई कम डैमेज पड़ेगा, क्योंकि मेरा जो मेन वाला तीर है ना, ये वाला, ये बहुत ज़्यादा डैमेज देता है, तो बस हमें एक धनुष मारना है, रुक जा भाई, एक लग जाए बस ये वाला, ठीक है ये मिस हो गया ना, कोई बात नहीं, थोड़ा सा एंगल ऊपर लेके मारना पड़ेगा, ये लगी, ठीक है भाई ये लग चुका है, बस हमें छोटे वाले तीर से मारना है इसको, और इसको अनकॉन्शियस करना है, थोड़ा सा करीब आ जाए बस, हम इसको मारते रहेंगे जब तक ये अनकॉन्शियस नहीं होता, लग जा, ठीक है ये लग गया, काफ़ी सही है, आ जा बेटे पास आ जा, देख रहे हो कि तो जल्दी एग्रो होता है, पर डरने की बात नहीं है, फिलहाल मैं पत्थर के ऊपर हूँ, ये चढ़ भी नहीं पाएगा, पर तुम नीचे से ही पकड़ सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है कि तुम्हें पत्थर के ऊपर से ही पकड़ना है, बस पत्थर के ऊपर से ना तुम सेफ़ रहोगे, एक ही जगह से मारते रहोगे, तो इसीलिए भाई पत्थर के ऊपर सही है, और अगर इसने मुझे गलती से भी थोड़ी बहुत डैमेज दे दिया तो मेरा पिट्रेनोडॉन इसको मार देगा, इसलिए भाई मैं पत्थर के ऊपर चढ़ गया, जिससे ये मुझे डैमेज ना दे सके और मैं इसको अनकॉन्शियस कर दूं और मेरा पिट्रेनोडॉन भी इसको ना मारे। और वैसे मुझे अगर कुछ भी गड़बड़ लगाना तो मैं तो भैया नीचे उतर के ही पकड़ूंगा, और अगर ये भागने भी लगा तब भी इसके पीछे पीछे तो भागना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना ट्रैप के ये भाग सकता है अगर तुमने सही से नहीं ध्यान दिया तो, काफ़ी बार भाग चुका है मेरे डायनासोर ऐसे, मतलब फिर मुझे ढूंढ के नहीं मिलते वो लोग, बस ये अनकॉन्शियस हो जाए उसके बाद हम टीम कर ही लेंगे। भाग रहा है क्या? रुक जाओ, नहीं वापस आ रहा है ये भागेगा नहीं भाई, ये बहुत ही गुस्सैल होते हैं, वैसे तो मैं बता दूँ जाइंट बीवर और भाई वुड कलेक्टिंग में बहुत ही बढ़िया होते हैं। ओ भाई चढ़ गया था वो, लगभग काम करता हूँ, रुक जाओ मैंने अपना पिट्रेनोडॉन को दूर रख के आता हूँ, क्योंकि देखो अगर मैंने पिट्रेनोडॉन ने उसको गलती से भी मार दिया तो बहुत ही दुख लग जाएगा, तो मैं इसको दूर रख के आता हूँ और नीचे से ही पकड़ेंगे उसको भगा भगा के। तो ये इधर है ना, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं इस पहाड़ पे रख देता हूँ,
इस पहाड़ से मैंने काफ़ी डायनासोर पकड़े। जब पहली बार आर्क खेला था तो मैं इसी आइलैंड में था भाई, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं आता, बस कभी कभार थेरी जीरो सोरस आ जाता है, कभी कभार भाई वैसे, पर इसमें कोई ख़तरा नहीं है। मतलब यहाँ पे तुम बेस बना सकते हो, और जाइंट बीवर मेरे पीछे ही है, मैंने देख लिया है उसको। और ये ले भाई, जैसे ही आएगा ना पास थोड़ा सा दूर हो जाओ। अबे 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 काटियो मत ना भाई, वैसे काटेगा कुछ होएगा नहीं, मैंने पिट्रेनडॉन को हटा भी दिया। और देखो मैं उसको पैसिव तो नहीं करूँगा, पैसिव करने से क्या होता है कि भाई मेरे पिट्रेनडॉन मर जाते हैं, कोई भी मार देता है फिर वो अटैक नहीं। वो भाग रहा है भाई, रुक जाओ। ओ वापस, अबे मुझे लगा भाग रहा है, अबे वापस आ रहा है भाई, मत मार मुझे। नहीं मारा शायद, नहीं मारा यार, डैमेज तो नहीं पड़ा। रुक जा भाई मत मार, क्या कर रहा है ये, इसको ना लग जाए बस, इसको लग गया ना फिर ये भी अटैक करेगा मेरे ऊपर। बस मुझे इस बीवर को अनकॉन्शियस करना है, कब तक मैं होएगा भाई। इसको इतने सारा डैमेज दे दिया, वो भाग रहा है, इस बार तो पक्का भाग रहा है भाई, इस बार तो पक्का भाग रहा है। रुक जा भाई, हो जा भाई, कितने सारे तीर मार रहा है, मैंने इसको कब से मार रहा हूँ बताओ। हो जा भाई, ये हो गया क्या? अबे मुझे लगा हो गया भाई, रुक गया था वो वैसे। रुक जा भाई, कब तक? हो गया भाई, फाइनली ये अनकॉन्शियस हो ही गया। ये एक 100 लेवल का जाइंट बीवर है, तुम देख सकते हो भाई, हमने इसको अनकॉन्शियस कर ही दिया। तो अगर इसका लेवल अब ज़्यादा भी नहीं मिला तब भी चलेगा, कम से कम 100 लेवल का तो मुझे टेम करना ही था। तो देख लेते भाई इसको कितना भूख लगी है, चलो। तो इसको तो वैसे ज़्यादा भूख नहीं लगी है अभी, पर फिर भी हम इसको दे देंगे खाना, ठीक है। पहले मुझे ना 3x बूस्ट खरीद लेता हूँ, रुक जाओ, मतलब जो 3 गुना इसका बढ़ा देगा टेमिंग पावर, वो ख़रीदना है मुझे। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा शॉप में, और उसके बाद वो मिलता है हमें, वो मिलता है नीचे मिलता है, रुक जाओ, वो ये रहा, ये इसमें मिलेगा। और ये देखो, और ये ले लेंगे हम। 45 वाला तो नहीं लूँगा भाई, 45 वाला तब लूँगा जब मैं कोई बड़ा डायनासोर टेम करूँगा, फिलहाल मैं 10 वाला ही ले लेता हूँ। और इसको खिला देते हैं, इससे कम से कम 3 गुना स्पीड तो मिल ही जाएगा मुझे, क्योंकि 100 लेवल का है ना, वरना बहुत समय लग जाएगा भाई, तो इसलिए कम से कम 3 गुना वाला तो दे ही देता हूँ। और इसको गाजर दे देते हैं, खा भाई। और ये 5% से हो रहा है, देख रहे हो, 3 गुना देने के बाद भी भाई 5% से हो रहा है, सही है। और इसको ये स्मूदिंग बाम भी देना पड़ेगा, क्योंकि इसका टोरपोर बहुत ही जल्दी उतरता है भाई, तुम देख सकते हो बहुत ही जल्दी जल्दी टोरपोर उतरता है, तो इसको खिलाते रहना पड़ेगा मुझे स्मूदिंग बाम। थोड़ी देर बाद मिलता हूँ तुम लोगों से। 1 hour later ये होने ही वाला है, तुम देख सकते हो अपना जाइंट वीवर अभी टेम होने वाला है। और हो जा भाई जल्दी जल्दी, क्या कर रहा है भाई, 5% से ही हो रहा था, हो जा। और ये हो गया 129 लेवल का, मतलब कि हमें 29 लेवल अप मिला है, काफ़ी सही है। तो हमने एक जाइंट वीवर टेम कर लिया, वो भी बहुत ही आसानी से, मतलब बहुत ही ज़्यादा आसान था जाइंट वीवर को टेम करना, मतलब डरना मत बिल्कुल भी, ऐसी टेम कर सकते हो तुम दौड़ा दौड़ा के इसको, कोई बड़ी बात नहीं है, उतना ख़तरनाक डायनो है भी नहीं जाइंट वीवर। पर ये दूसरी तरीके से काम का है भाई, क्योंकि ये तुम्हें वुड फार्मिंग में बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। तो इन सबको मैं स्टॉप कर देता हूँ यहाँ पे, और मैं घर पे जाता हूँ और इसको टेलीपोर्ट करता हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी अर्जेंट एविस नहीं है, वरना मैं इसको उड़ा के ले जाता भाई। देखो टेलीपोर्ट करने से ना दूसरे डायनासोर इन पर अटैक करते हैं, अगर तुम टेलीपोर्ट नहीं करोगे ना तो जल्दी कोई डायनासोर इन पर अटैक नहीं करेगा, तो इसलिए भाई इनको टेलीपोर्ट करना ज़्यादा सही नहीं है, पर मेरे पास दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। तो अभी घर पे चलते हैं और इसको टेलीपोर्ट करते हैं, उसका इसका सैडल बना के तुम्हें दिखाता हूँ भाई कितना ज़्यादा ये वुड कलेक्ट करता है। घर पे पहुँचने ही वाले हैं भाई, और जल्दी जल्दी मैं उतर के भाई यहाँ पे जल्दी से उसको टेलीपोर्ट करना चाहता हूँ। ठीक है भाई, यहीं पे रुक जा पिट्रेनोडॉन, मेरे पीछे मत आइए, वैसे स्टॉप कर रखा है मैंने, कभी कभी पीछे आ जाता है। तो बस हमें इसमें जाना है, और इसमें जाना है हमें, और टीम्स में जाना है, और उसके बाद इसको बस रिक्वेस्ट पर डाल देना, ये रहा अपना, और इसको रिक्वेस्ट में डाल दो और ये आ जाएगा। और जो भी रहता है उसके पास सब गायब हो जाता है भाई, जो भी डायनासोर तुम टेलीपोर्ट करोगे। और मेरा गेट अभी भी खुला हुआ है, बढ़िया यार, इतना देर से गेट खुला हुआ ही है। तो वो देखते भाई इसका सैडल बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, मैंने इसका सैडल पहले से अनलॉक कर रखा था, ये तो डिप्लोडोकस का है ना, ये है, ठीक है। इसके लिए अभी हमें चाहिए बस मेटल, ठीक है, बस मेटल चाहिए ना, मेटल अपने पास काफ़ी है यार, मतलब मैंने काफ़ी मेटल इकट्ठे कर रखा है, तो इसी में मिल जाएगा अपने को डब्बे में। ये देखो 412 मेटल है भाई अभी, ये अपने लिए काफ़ी है, तो बस हमें इसमें रख देना है इसको, और यहीं से हो जाएगा थोड़ा सा आगे जाके, ठीक है, इसमें मेटल रख देते हैं और उसके बाद इसका सैडल बना लेते हैं भाई। वैसे बहुत ही आसान है जाइंट वीवर को पकड़ना और इसका सैडल बनाने में, मतलब काफ़ी कम चीज़ों में बन गया, उतना भी ज़्यादा चीज़ नहीं लगता है इसका सैडल बनाने के लिए, सही है। देखते हैं भाई हमें कितना वुड देता है। वैसे मैंने पिछले बार जब खेला था आर्क, जो पिछली बार मैं वीडियो बना रहा था, उसमें मैंने जाइंट वीवर पकड़ा तो था, पर उसका सैडल नहीं बनाया था मैंने, और मैंने देखा भी नहीं था वो कितना वुड देता है, और इस बार भाई देख लेंगे हम। तो चलो भाई लगाते हैं, और वो आ भी चुका है, देखो भाई चक्कर खाते हुए यहाँ पहुँच चुका है, कहाँ पाया देखता हूँ, कहाँ है भाई, इधर नहीं है, छत पे गिरा क्या डायरेक्ट, छत पे टेलीपोर्ट तो नहीं हुआ भाई, रुक जाओ वो पीछे आया होगा, क्योंकि डायनासोर मेरे पीछे आते ज़्यादातर टाइम,
देख लेता हूँ। हाँ भाई देखो, वो रहा अपना जाइंट वीवर। तो इसको बस हमें सैडल लगा लेना है यहाँ पे। ठीक है भाई, अंदर चलते हैं। अबे यहाँ खरीदता रहूँगा, अब इतना एम्बर भी नहीं है मेरे पास, हर चीज़ खरीदता रहूँ मैं। ठीक है, इसको सैडल दे देते हैं भाई और पहना देते हैं इसको सैडल। और देखो भाई क्या कूल लग रहा है भाई, दांत इसके पीले हैं वैसे तो मैं बता दूँ। मैं देखते भाई कितना वुड देता है ये। पहले ये छोटा सा पेड़ को काट के देखता हूँ, इससे रुक जाओ। ये छोटा वाला पेड़ है ना, इसको काट के देखता हूँ, देखते कितना वुड देता है। काट भाई, वो भाई 60 वुड दिया है। और फिर कितना दिया भाई, देखता हूँ टोटल कितने दिए। 116 भाई, एक छोटे से पेड़ से भाई 116 वुड दिए इसने। मतलब एक छोटे से पेड़ से इसने 116 वुड दिए। प्लस भाई देखो, इसके अंदर तुम बहुत सारी चीज़ें क्राफ्ट भी कर सकते हो, मतलब इसमें क्राफ्टिंग वाले चीज़ भी है। मतलब तुम कुछ भी क्राफ्ट कर सकते हो अगर तुम्हारे पास सामान होएगा तो। मतलब तुम्हें स्मिथी की ज़रूरत नहीं है भाई अगर तुम्हारे पास एक जायंट वीवर है तो। और देखो ये कितना ज़्यादा वुड देता है। वुडन कलेक्ट करने के लिए एक डायनासोर तो हो ही गया है, बस एक स्टोन कलेक्ट करने के लिए डायनासोर चाहिए। उसके बाद मैं अपना घर बनाऊंगा। और स्टोन कलेक्ट करने के लिए सबसे बढ़िया होता है डियोडुकुरस, जिसका वीडियो मैं नहीं बनाऊंगा भाई, क्योंकि मैंने डियोडुकुरस का वीडियो पहले ही बनाया था, उसका वीडियो क्या ही बनाऊं। आज हमने एक जायंट वीवर पकड़ा। तुम लोगों को कैसा लगा ये जायंट वीवर जरूर बताना भाई। आई होप तुम लोगों को ये वाला वीडियो भी अच्छा लगे। मैंने इसको मैन्युअली सेव कर दिया जिससे भाई क्रैश व्रैश हो जाए तो दीवार ना पहुँच जाऊँ पीछे, इसलिए भाई मैंने इसको मैनुअल सेव करा है। तो तुम लोग बता देना भाई तुम लोगों को मेरा ये वाला वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना।